आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि कोरियर जो हम लोग रिसीव करते हैं, तो कोरियर रिसीव करने वाली अलग अलग कंपनियां हैं, जैसे ई कॉम है। कुछ लोग डिलीवरी से सामान रिसीव कर पाते हैं, कुछ लोग अन्य कंपनियाँ हैं, जैसे एक कैरी कंपनी है। तो ये तीन चार कंपनियां हैं जिसका जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं सेफ साहब की, और ये जो है आपको सामान पहुंचाती हैं। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि कुछ कोरियर वाले या कुछ कोरियर जो बॉय होते हैं, वो आपके सामने ढेर सारी दिक्कतें पैदा करते हैं। और वो दिक्कतें जो पैदा करते हैं, और वो दिक्कतें किस तरह की दिक्कतें हैं और उसका क्या फाइनल सोल्यूशन सेफ साहब मैनेजमेंट ने किया है, ये आज मैं इस ट्यूटोरियल में आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी हैं कोरियर डिलीवरी बॉय से परेशान, तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए है। और बने रहिए ट्यूटोरियल में और जानते हैं पूरी जानकारी को। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस ट्यूटोरियल में। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा गया है, समझा गया है और ऐसी कंप्लेन भी आई हुई है, हमारे पास भी, आपके पास भी आई होगी, और शायद मेरे ख्याल से सेफ साहब मैनेजमेंट की तरफ भी ये कंप्लेन गई होगी या उन तक पहुँची होगी। क्योंकि जब तक कंप्लेन बड़ी नहीं होती है, तब तक उसका रेजोल्यूशन होता नहीं है। तो आप ऐसे देखेंगे तो ढेर सारे कोरियर जो डिलीवरी बॉय होते हैं, आमतौर पे सेफ साहब का जो सामान होता है वो डिलीवर एक कैरी एक्सप्रेस करके कोई कंपनी होती है, और एक ई कॉम एक्सप्रेस करके कोई कंपनी होती है। तो इस तरह की कंपनियों से जब सामान पहुंचता है, या ब्लू डार्ट से, या जिस किसी से भी, मैं किसी का दोस्त नहीं बढ़ रहा हूं, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि इन कंपनियों से सामान हम तक, आप तक पहुंचता है। कुछ कंपनियों के कुछ ऐसे कोरियर बॉय होते हैं जो कि सामान जब डिलीवर करना होता है, तो आपसे कभी कभी वो जो है सामान वापस हो जाने की धमकी देते हैं कि अगर आप नहीं आएंगे तो सामान हम आपको वापस कर देंगे। कभी कभी आपको ऐसी धमकी देते हैं कि हम सामान आपको नहीं पहुंचाएंगे, वो हमारा एरिया नहीं है, वो डिलीवरी एरिया नहीं है, आप खुद आकर के सामान ले जाइए। और कभी कभी ऐसा होता होगा कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है आप लोग के साथ हुआ हो, कि जो कोरियर बॉय है या डिलीवरी बॉय है, वो आपको सामान पहुंचाने के या देने के या भेजने के एवज में पैसे लेने की डिमांड करता हूं, जो कि ये तीनों प्रोसेस सेफ साहब मैनेजमेंट इसको एग्री नहीं करती है। और उन्होंने तीनों समस्याओं का एक प्रॉपर सोल्यूशन निकाला हुआ है कि आप उसके लिए ये कर सकते हैं कि जब भी इस तरह के कोरियर बॉय आपको फ़ोन करें, डिलीवरी बॉय आपको फ़ोन करें, तो आप उसका नाम जरूर पूछ लीजिए, किस कंपनी से बोल रहे हैं, और ये तो पता ही चल जाता है, और किस नाम का वो डिलीवरी बॉय है उसका नाम नोट करना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ आपको करना ये है कि आपको कंप्लेन करना है इसकी, और कंप्लेन करने के लिए आपको एक ईमेल करना है, और ईमेल करना है आपको head.logistic@sapsofindia.com। आप इसे नोट कर लीजिए, head.logistic@gmail.com। इस पर आप अपना ऑर्डर नंबर लिखेंगे, इस पर अपनी लॉग आईडी लिखेंगे, और आप यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम भी लिख सकते हैं, मेंशन कर दीजिए कि आप, अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं कि सर नमस्कार, और उपरोक्त लॉग आईडी और या ऑर्डर नंबर के संबंध में मेरे पास डिलीवरी बॉय ने सामान देने के लिए ये बात बोली है, और अपना आप भेज सकते हैं, मेल कर सकते हैं। अगर अंग्रेज़ी में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं अपना ऑर्डर नंबर, अपनी लॉग आईडी लिख करके, और नीचे लिख सकते हैं डियर सर, माई लॉग आईडी नंबर इज दिस, और ये जो डिलीवरी बॉय कंसर्न जो पर्सन है वो मेरे पास इस तरह से कॉल किया हुआ है। ज़्यादातर कोशिश करिए कि हिंदी में आप टाइप करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, या इंग्लिश में टाइप करिए, ठीक है, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, मेल कर देंगे, काम आपका हो जाएगा। तो या डायरेक्ट आप कंपनी में कॉल करके, वहाँ पे भी आप कॉल करके कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं, और आपको प्रॉपर सोल्यूशन जरूर मिलेगा। लेकिन इससे पहले आपको सावधानी बरतनी है, और वो सावधानी सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करते समय या शिपिंग एड्रेस को भरते समय करनी है। कभी कभी क्या गलती होती है कि हम अकॉर्डिंग टू आधार कार्ड का, जैसे आधार कार्ड में लिखा रहता है, मान लीजिए किसी के नाम, किसी का गाँव का नाम है रामपुर, पोस्ट है श्यामपुर, और थाना है सीतापुर, ठीक है, या और डिस्ट्रिक्ट है आप ऐसे समझें कि गोरखपुर, तो उसमें कभी भी विलेज नहीं लिखा होता है, पोस्ट नहीं लिखा होता है, थाना नहीं लिखा होता है, और डिस्ट्रिक्ट तो लिखा ही होता है,
तो आदमी क्या करता है कि आदमी VILLAGE नहीं लिखता है, POST पोस्ट नहीं लिखता है, या थाना या PS या पुलिस स्टेशन नहीं लिखता, जबकि यही लिखना बहुत ज़रूरी है। आप केवल सीतापुर, रामपुर और श्यामपुर लिख देंगे तो वो आपका एड्रेस सही नहीं माना जाएगा। सही एड्रेस यही है कि आप प्रॉपर, जैसे आप विलेज लिखिए VILLAGE विलेज, आप जो भी श्यामपुर लिखिए, आप पोस्ट लिखिए रामपुर, आप जो है डिस्ट्रिक्ट लिखिए सीतापुर, आप जो भी आपका थाना है सीतापुर लिखिए। तो इस तरह से मतलब अपने दिमाग से, जैसे आप कहीं चिट्ठी भेजते हैं उस पे जो एड्रेस डालते हैं उस हिसाब से आप अपना एड्रेस लिखिए, ना कि आधार कार्ड के हिसाब से लिखिए। आधार कार्ड का जो एड्रेस है आप वो आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो ऐसे ही लिख दिया गया है। आप जब भी अपडेट प्रोफाइल में जाएँ या शिपिंग एड्रेस में जाएँ, आप पूरा अपने दिमाग से उसमें एड्रेस लिखिए, ताकि कुरियर वाले को भी दिक्कत ना हो आपका एड्रेस फाइंड करने में, और कुरियर कंपनी को भी ये दिक्कत ना हो फाइंड करने में कि इस पिन कोड पर हमारी सर्विस अवेलेबल है कि नहीं है। और दूसरा जो समस्या है कि आप अपना मोबाइल नंबर डालें, वैसी आदमी का मोबाइल नंबर डालें जो आदमी सामान को रिसीव कर सकता है या 100% सामान रिसीव करवा सकता है। तो ये कुरियर जो समस्याएँ होती हैं मेरे हिसाब से दोनों साइड से होती हैं। हाँ, ये है कि कस्टमर के साइड से 20% होती है और जो कुरियर समस्या जो कुरियर की तरफ से है ये 80% होती है। तो ये कुछ कुरियर डिलीवरी से जो नई अपडेट आई है सेफ साहब की, मैंने आप लोग को शेयर करने की कोशिश की। अगर आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे फॉलो करिएगा और अपनी टीम में फॉलो कराइएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। कोई भी आदमी सामान बुक करता है तो अपना सामान 3 से 4 दिन में मौजूद पाना चाहता है। तो ये जो तरीके हैं शायद उसमें मदद करें और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आए। आप सभी ने अपना बेशकीमती समय दिया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।